पता कैसे लगता है कि प्यार हो गया? पता कैसे लगता है कि प्यार हो गया? पहले तो ये बताओ प्यार क्या है? फीलिंग। फीलिंग्स हमेशा एक जैसी रहती है क्या? मैं आपसे पूछूंगा क्या है, व्हाट इज लव? तो कोई इतना भी बड़ा बेवकूफ यहाँ पे बैठे होंगे, मैं बता रहा हूँ, मोबाइल अपना ऑन करेंगे और देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन। सर दिस इज व्हाट लव इज, लव इज अ फीलिंग व्हिच स्टेट्स दिस इज दिस। या फिर कोई मूवी का डायलॉग याद करेंगे, प्यार दोस्ती है सिमरन। जिसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं बहुत टाइम तक बिना बोर हुए। ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ में बहुत टाइम स्पेंड कर सकते हैं और बोर ना हो। अरे भैया आपका फेवरेट खाना क्या है? मटर पनीर। मटर पनीर के साथ कितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं? सुबह मटर पनीर, दोपहर को मटर पनीर, रात को मटर पनीर, अगले एक साल तक। प्यार है आपको मटर पनीर से या नहीं है? चेंज चाहिए ना वहां पर भी? हाँ, फिर ये सब इल्यूजन्स हैं, हम इल्यूजन्स में जीते हैं। जब चेंज चाहिए तो एक ही लाइफ पार्टनर के साथ। कि जब चेंज चाहिए तो एक ही लाइफ पार्टनर के साथ क्यों? मल्टीपल के साथ रह लो, देख लो क्या होता है। समझ गए ना, आपके क्वेश्चन में ही आपका जवाब है। अभी हम बात कर रहे हैं प्यार की, तो आपने क्या किया, प्यार को और रिलेशनशिप को मिक्स कर दिया। ये भी तो हो सकता है दो अलग अलग चीजें हो। तो व्हाट इज लव? जहां शांति है वहां पर प्यार है। शांति कहाँ है? नहीं, मैं एड्रेस पूछ रहा हूँ शांति का, कहाँ रहती है? नो, व्हाट इज लव बताओ? सिर्फ प्यार ही एक ऐसी स्टेट है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बाकी इस दुनिया में हर इमोशन का, हर फीलिंग का, हर थॉट का साइड इफेक्ट है। सिर्फ प्यार ही ऐसा है जिससे आप एक्चुअल में प्रेजेंट मोमेंट में आ सकते हो, जब आप ठहर जाते हो पूरी तरह से। यू बिकम स्टिल, एब्सोल्यूटली स्टिल। सिर्फ प्यार ही ऐसा कुछ है जहां पर आप खो जाते हो। जब तक आप जिंदा हो वो प्यार नहीं है। प्यार मतलब क्या? जब आप मर चुके हो, आप खो गए हो। मर मतलब वो वाला मरना नहीं, लटक जाओ कहीं जाकर के, नहीं। आप मतलब क्या, जो भी आप अपने अंदर ही अंदर बोलते हो, जब बोलती बंद हो जाती है। अब ऐसा दो वजह से होता है। एक है, बाहर आपने कुछ ऐसा देखा जिससे रिलेटेड आपके अंदर कोई बहुत स्ट्रांग डिजायर है, तो जैसे ही वो हमारे सामने आता है तो हमारी बोलती बंद हो जाती है कुछ देर के लिए। फिर जैसे ही उसकी असलियत सामने आती है तो बोलती वापस से शुरू हो जाती है। क्या घटिया है, आई बात समझ में? नहीं आई? फॉर एग्जाम्पल, कोई एक्ट्रेस है जो आपको बहुत पसंद है, जैसे ही वो आपके सामने आएगी, एकदम से सोचो आपके सामने आ जाए, आप कहीं पर जा रहे हो, एकदम से आपके थोड़ी देर के लिए बोलती बंद नहीं हो जाए? ये क्या है, बोलती बंद हो गई थी? मैं एक्ट्रेस हूं। उससे ऊपर दिस इज ऑल्सो लव बट दिस इज टेम्पररी। यहां पे क्या प्रॉब्लम है, आप एक्सटर्नली किसी ना किसी पर्सन पे डिपेंड हो गए। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटी अट्रैक्ट्स, ब्यूटी टेंड्स टू कैप्चर यू, या कुछ भी ऐसा जब आप देखते हो जो आपको फैसिनेट कर दे, आपको पूरी तरह से अपने वश में कर ले, तो उसको आप बोल सकते हो टेम्पररी स्टेट ऑफ लव। बट उसको आप खुद इंड्यूस नहीं कर सकते, बाहर से कोई कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू लाइक वॉचिंग क्रिकेट, तो एकदम से आप किसी बैट्समैन को एक ऐसा शॉट मारते हुए देख रहे हो जो आपने सपने में भी नहीं सोचा कि कोई मार सकता है, तो थोड़ी देर के लिए क्या होता है, बोलती बंद नहीं हो जाती है? एकदम से आप उस मोमेंट में पूरी तरह से खो नहीं जाते हो, टाइम रुक जाता है। अब ये सारी बातें आपने सुनी है मूवीज में, यहाँ पे वहां पे, टाइम रुक जाता है। रुक गया जी टाइम, अभी मेरे साथ में बैठी है, उसकी खुशबू से ही रुक गया सर। आप क्या बातें करते चले जा रहे हो, रुका, मैं प्यार में हूं सर। इसको आप अट्रैक्शन भी बोल सकते हो, कि यू आर फैसिनेटेड, यू आर अट्रैक्टेड, दैट इज नॉट लव। वो सब टेम्पररी है। जैसे आपने किसी को देखा और मतलब देखते ही अंदर घंटी बजनी शुरू हो गई, अबे यार क्या। फिर अगले दिन उसको बिना मेकअप के देख लिया, फिर दोबारा घंटी बजा, अबे ये क्या है।
वो एक सेकंड में बदल जाता है, जिसको आप प्यार कह रहे हो उसी को तो प्यार कहते हो, और किसे कहते हो? यानी आपके अंदर जो इमेजिनेशन पड़ी हुई थी, उस इमेजिनेशन से मिलता जुलता कोई लड़का या लड़की आपके सामने आया और उस इमेजिनेशन से आप थोड़ी देर के लिए जुड़ गए, लेकिन वो इमेजिनेशन बदलती रहती है, सेम नहीं रहती है। फिर उस बंदे की हमने रियलिटी देखी जो उस इमेजिनेशन से मैच नहीं हो रही, वहां पे लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, अब हम अलग हो गए, इसको हम प्यार मोहब्बत समझते हैं। या फिर उसी इमेजिनेशन को हम रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट रेपिटिशन इज बोर्डम, बोर हो जाते हैं, जैसे मैंने खाने का एग्जाम्पल दिया था। तो प्यार क्या है? इसकी शुरुआत होती है खुद से, जो लिखा हुआ है डिस्कवर योरसेल्फ। मतलब क्या? आपने खुद के सच को देख लिया है, इसके बिना प्यार नहीं हो सकता। सोलमेट वोलमेट कुछ नहीं होता? सोलमेट वोलमेट की बातें होती है, होता होता कुछ नहीं है। सोलमेट का मतलब क्या हुआ? ये मेरा सोल, वो तेरा सोल। जैसे दो अलग अलग जूते होते हैं, दोनों के अलग अलग सोल्स होते हैं, तो दोनों जूते मिल गए, अब इनको आपस में प्यार हो गया। तो सोलमेट मतलब क्या? ये तेरा सोल, ये मेरा सोल। जब इस सच को आप देख लेते हो ना कि जो मेरा सोल है वो ही तेरा सोल है, सोल में मेरा तेरा नहीं है, जैसे कुछ जुड़ गया है, इस तरीके से जुड़ गया है जहां पे अलग होने की गुंजाइश ही नहीं है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, अलग हो ही नहीं सकते ना। मान लो लहर पानी से कैसे अलग होगी? है कोई तरीका अलग करने का? होके दिखाओ। अगर पानी हो तो लहर से अलग होकर के दिखाओ, दो लहरें तो अलग हो सकती हैं। तो जिसकी आप सोलमेट की बात कर रहे हो, वहां पे गड़बड़ पता है क्या हो रही है? अभी आप एक सोल हो, कोई और एक और सोल है, इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। जब तक वो इन्फॉर्मेशन आपस में मिल रही है तब तक तो प्यार है, जैसे ही वो अलग अलग हो गई तो वहां पर लड़ाई झगड़े हैं, ये कुछ और चाहता है, ये कुछ और चाहती है, इसके अंदर जो सही पड़ा हुआ है वो यहां पर गलत पड़ा हुआ है, तो लड़ाई झगड़े हैं। जिसकी मैं बात कर रहा हूं वहां पर पता है क्या होता है? एग्जैक्टली क्या होता है? व्हेन यू लुक एट योर सोल, व्हाट इज सोल? योरसेल्फ। जब खुद की सारी लेयर्स को हटा लेते हो एक एक करके और एक्चुअल में देख लेते हो आप क्या हो, तो आपको कहीं पर भी कोई डिवीजन नजर नहीं आता, तो आप प्यार ही हो गए। तो मैं सिर्फ यहां पर नहीं हूं, मैं वहां पर भी हूं, मैं सिर्फ इसमें नहीं हूं उसमें भी हूं। जब इस तरह से आप जीते हो तो आपको हर तरफ अपनी ही अलग अलग फॉर्म्स नजर आती है। नाउ इफ यू आर लुकिंग एट योर वाइफ, यू आर नॉट लुकिंग एट हर एज अ सोलमेट, यू आर लुकिंग एट हर एज माई सेल्फ। दोनों में बड़ा फर्क है। आपको खुद से प्यार है या नहीं है? तो आप जब उसको देख रहे हो तो आप उसको नहीं देख रहे हो, आप खुद ही को देख रहे हो। तो यू आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ लव। सोल अलग अलग नहीं है, जैसे जूतों में अलग अलग सोल होते हैं, सिर्फ एक ही सोल है और वो सोल मैं हूं। तो अगर मैं हर जगह हूं तो अब मुझे किससे प्यार करना पड़ेगा? क्या मैं पार्शियलिटी कर सकता हूं? मेरा ये हाथ, अगर आपको मैं चॉइस दूं कि हाँ ठीक है दोनों में से बताओ कौन सा कान आपको ज्यादा अच्छा लगता है, जो कम लगता है उसको काट देंगे, बताओ जवाब दो, नहीं मुझे तो दोनों अच्छे लगते, दोनों आंखें अच्छी लगती, फिर अब ये कोई स्टेट थोड़ी है। बिल्कुल ऐसा है जैसे शीशे में खुद को देखना। मां के केस में यही होता है, एफर्टलेसली हो जाता है, क्योंकि मां के अंदर से ही वो बच्चा निकला है ना। मां बोलती तो है नाम के लिए कि ये मेरा बच्चा है, बट एक्चुअल में मां के लिए वो मैं ही हूं, बल्कि मेरे से भी ज्यादा वो मेरा है। ये मुझे एक बार को कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। इससे क्या समझ आ रहा है? कि उसको बच्चे से प्यार नहीं करना पड़ रहा है, उसको बच्चे से प्यार है। जब आप प्यार करते हो तो गिरते हो, जब भी कुछ करते हो तो गिरते हो ना, तभी कहते हैं यू फॉल इन लव। गिर जाते हो और जब गिरते हो तो बड़ी चोट लगती है, इसीलिए लोगों को चोटें लगती हैं, क्यों? क्योंकि कभी डीपली समझा ही नहीं, होता क्या, हम सामने वाले पर डिपेंड हो जाते हैं, डिपेंडेंसी को हम प्यार बोल देते हैं। और मुझे तू बहुत अच्छी लगती है, इसका मतलब क्या? तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। ये प्यार है, ये सेल्फिशनेस है। अगर प्यार होगा तो आप क्या कहोगे? जो तेरी मर्जी है वो कर, छोड़ना है छोड़ दे, साथ रहना है रह ले। अपने ही अलग अलग चेहरे नजर आ रहे होते हैं, सोचो कितना इंटरेस्टिंग है। जैसे बिल्कुल अपने ही दो हाथों को देखना, ऐसे ही एक आप हो। एक नाउ एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ योर लाइफ इज फुल ऑफ फैसिनेशन। आप बोर नहीं हो सकते। आप 20 साल बाद भी अगर अपनी वाइफ को देख रहे होगे
तो आप ऐसे देख रहे हो जैसे पहली बार उसको देख रहे हो, क्योंकि आप अपनी वाइफ को नहीं देख रहे हो, आप खुद को देख रहे हो, खुद की ही एक ऐसी फॉर्म को देख रहे हो जो इस फॉर्म से बिल्कुल अलग है। तो यू आर ऑलवेज इन फैसिनेशन, किसी बच्चे को देख रहे हो तो बस देखते ही चले जा रहे हो, कुछ सोच नहीं रहे हो, वहां पे कोई पास्ट नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, बस देखे चले जा रहे हो। और सामने वाले को समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, उसको थोड़ी पता आपके अंदर क्या चल रहा है, बस उसको अच्छा लगेगा। यही तो चाहिए सबको, और क्या चाहिए? एक बच्चे को क्या चाहिए, किसी भी बड़े को क्या चाहिए? अटेंशन ही तो चाहिए। नो, योर अटेंशन इज अनब्रोकन, इट इज कंप्लीट अटेंशन। तो आप किसी से भी मिलोगे, यू विल ऑलवेज बी इन अ स्टेट ऑफ लव।